हेलो एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी राठी और हम यहाँ मिलते हैं अपनी एंटमोलॉजी की कंसेप्चुअल क्लासेस में तो ऑफ ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है आपको यहाँ हमने सीरीज निकाली है एग्रीकल्चर फाउंडेशन के नाम से यानी कि यहाँ पर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की एक छोटी सी कोशिश हम करते हैं तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले चैनल पर पुराने हैं जैसे कि हमारे हरिवंश तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर अडाट ट्वेंटी फोर ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए यू नो वेरी वेल इसमें आपको सारे जॉब अलर्ट्स भी मिलते हैं आप क्विज भी प्ले कर सकते हैं अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं कौन सा पार्ट वीक है कौन सा पार्ट स्ट्रोंग है तो इट्स अ यूजफुल ऐप यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर अड्डा ट्वेंटी और फिर चलते हैं हम आज के टॉपिक पर तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम सो so फार हमने रेस्पिरेशन सिस्टम कर लिया है डाइजेशन सिस्टम कर लिया है तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बारी आ गई है तो हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के मेजर पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जिसमें आज एक्सक्रीटरी सिस्टम की बारी है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठे होते हैं उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो किसी तरीके के टॉक्सि हमारी बॉडी में ना बनाए और हमें हार्म ना पहुंचाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं द दर्गे ऑफ इंसेक्ट बॉडी विच इज इन्वॉल्व इन एलिनेशन ऑफ एक्स और जो ज़्यादा मटेरियल है जो आ, आपके इंसेक्ट ने यूज़ नहीं किया है एक्सेस में है या फिर अनवांटेड मटेरियल है यानी कि जिस जो इंसेक्ट को नहीं चाहिए था है ना वो सारा मटेरियल जो है आ, जब बाहर निकाला जाता है बॉडी से तो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे इट शुड बी टॉक्सिक और नॉट यूजफुल फॉर द इंसेक्ट बॉडी ओके सो लेट्स सी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस की हेल्प से होगा और कौन से कौन से आ, एक, आ, आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सक्रीट करना ज़रूरी है यानी कि बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है सो so ऑफकोर्स सबसे पहले सी आएगा आपकी जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो इंसेक्ट की बॉडी से बाहर निकालनी ज़रूरी है हमें भी यही करना होता है ना सी ओ टू इज़ हार्मफुल फॉर आर टिश्यूज़ तो इसको हमें Uh, अपने सांसों द्वारा बाहर निकालना होता है एक, uh, एक्सहेल करना होता है सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ सॉलिड पार्ट को एक्सक्रीट नहीं करते हैं गैशियस पार्ट को भी एक्सक्रीट करते हैं जैसे कि सी है ना लिक्विड फॉर्म में uh, इसका एक्सक्रीशन होता है लिक्विड फॉर्म में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है हनी ड्यू सिक्रेशन कुछ इंसेक्ट होते हैं जो चिपचिपे लिक्विड पदार्थ जो है उनसे निकलते हैं एट टाइम्स वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यानी कि उस इंसेक्ट को वो प्रोडक्ट अपनी बॉडी में नहीं चाहिए मे बी वो एक्सेस में है या अनवांटेड प्रोडक्ट है तो हनी ड्यू ड्यूसक्रीशन जो है काफ़ी सारे आपके इंसेक्ट्स में होता है जैसे कि आपके हनी ड्यू सिक्रीशन इसमें देखने को मिलेगा एफिड्स में एफिड का अटैक जहाँ भी आप प्लांट पर देखेंगे तो आपको चिपचिपा डार्क uh, ब्राउन कलर का मटेरियल प्लांट पर मिलेगा सो दिस इज हनी ड्यू सिक्रीशन जिसके कारण जो है लीफ uh, भी ब्लैक कलर की टर्न होने लगती है सो दीज टाइप ऑफ सिक्रीशन शुड बी पुट आउट ऑफ द बॉडी उसके बाद सॉलिड फॉर्म में जो स्क्रीशन निकलता है वो यूरिया या फिर यूरिक एसिड होता है जो आ, आपके इंसेक्ट सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं यूरिया को और यूरिक एसिड को फिर कुछ सेमी सॉलिड फॉर्म्स होती हैं जिन्हें आल, एल एलेंटॉइन कहा जाता है सो so, एलेंटॉइन जो है सेमी सॉलिड फॉर्म्स हैं जो एक्सक्रीटरी सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है ना लिक्विड होता है प्रॉपरली ना सॉलिड होता है प्रॉपरली सो इनको एलनटॉइन टॉइन कहते हैं और इन्हीं को जो है एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से तो बॉडी से केवल सॉलिड पार्ट ही एक्सक्रीट नहीं किए जाते लिक्विड भी किए जाते हैं सीओ भी की जाती है एलेंटॉइन्स भी किए जाते हैं अब बात आती है कि मैम कौन से ऑर्गन से एक्सक्रीशन होगा है ना तो बच्चों एक्सक्रीशन जो है आ, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि इसमें सी को भी एक्सक्रीट करना है लिक्विड मटीरियल को भी करना है सॉलिड मटीरियल को भी करना है तो जनरली जो एक्सक्रीशन है वो केवल एक चीज़ से नहीं होता है काफ़ी सारे प्रोसीजर्स इसमें होते हैं तो आइए देखते हैं कौन से कौन से प्रोसीजर्स हैं कौन से कौन से ऑर्गन्स इन्वाल्व रहते हैं सबसे पहले आता है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं आपने डाइजेशन के टाइम पर पढ़ा था है ना ये जो मिड गट होता है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है यानी कि जो आयंस एक्स्ट्रा हो गए हैं बॉडी में उनको फ्लश करने का काम आपका मालफीजियन ट्यूब्यूल करता है दूसरे क्या है इंटेग्यूमेंट्स या फिर बॉडी वॉल जो है वो भी एक्सक्रेशन में पार्टिसिपेट करती है कैसे करती है हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे तीसरा क्या है ट्रैकियल सिस्टम है ना ट्रैकियल सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटर सिस्टम हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं यानि कि रेस्पिरेशन से जो है सी बाहर निकलता है तो ये भी आपका एक्सक्रीशन का मैथड है यानी कि ट्रैकिया भी जो है एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली एलिमेंट्री कनाल तो आएगा ही है ना हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ चुके हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है कि जो अनवांटेड फूड है वो गट के द्वारा रेक्टम इलियम के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है सो दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन योर एक्सक्रीशन उसके बाद नेफ्रोसाइट्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्पेशल uh, जो आपके मालफीजियन टिब्यूल्स जिन पार्टिकल्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं उनको नेफ्रोसाइट uh, जो है एक्सक्रीट करने की कोशिश करते हैं बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं यूरेट सेल्स यूरेट सेल्स जो हैं ये भी आपके एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करेंगे इनोसाइट्स हैं इनोसाइट्स भी एक तरीके के सेल्स हैं सिंगल सेल्स हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे लेबियल ग्लांट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लोराइड सेल जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं यहां पर लिख देती हूं इसको क्लोराइड सेल ठीक है तो देखिए नाइन टाइप से नाइन टाइप के ऑर्गन से जो है आपका एक्सक्रीशन हो सकता है आपका नहीं हो सकता है इंसेक्ट का एक्सक्रीशन हो सकता है तो इससे पहले आपको लगता होगा है ना कि मालफीजियन टिब्यूल या एलिमेंट्री कैनाल का ही काम एक्सक्रीशन का काम होता है सो so, नाइन टाइप से जो है आपके एक्सक्रीशंस हो सकते हैं जो कि लिस्ट आपके सामने है तो एक एक करके इनको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं राइट तो चलिए सबसे पहले आएंगे आपके मालफीजियन ट्यूब्यूल्स मालफीजियन ट्यूब्यूल्स वर डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो मालफीजी इस साइंटिस्ट का नाम में ही मालफीजी है इसीलिए इस ऑर्गन का नाम मालफीजियन ट्यूब्यूल रखा गया है क्योंकि ये ट्यूबुलर शेप के हैं इसीलिए इनको ट्यूब्यूल रखा गया है और क्योंकि इनकी डिस्कवरी जो है मार्सेलो ने की है मार्सेलो मार मालफीजी तो इसीलिए जो है इसको मालफीजियन ट्यूब्यूल्स कहा गया है मार्सेलो मा, मालफीजी जो है इटालियन साइंटिस्ट थे ही बिलोंग टू इटली फिर इन्होंने ये डिस्कवर किया था 1669 में लेकिन मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो नाम है वो दूसरे साइंटिस्ट ने रखा था कि भाई डिस्कवर उन्होंने किया था तो ये नाम इस ऑर्गन का नाम इन्हीं के ऊपर होना चाहिए तो वो नामकरण जो है इसका दूसरे साइंटिस्ट ने किया है आई गेस उनका नाम हैकिल था बट आई एम नॉट श्योर ओके हेलो लूपा वेलकम टू द सेशन तो उसके बाद मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं किसी इंसेक्ट में केवल दो हो सकते हैं यानी कि टू इन नंबर है ना और ज़्यादा से ज़्यादा 250 भी हो सकते हैं 250 इन नंबर्स तो इसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा है टू आपके कॉक में देखने को मिलते हैं एंड 250 आपके लोकस्ट में देखने को मिलते हैं तो 250 के लगभग जो है आ, आपके मालफीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं लोकस्ट में और केवल दो मालफीजियन ट्यूब्यूल मिलते हैं कॉकेट कौके, में देखने को सी ओ डबल सी आई डी एस ओके द शेप ऑफ द ट्यूब्यूल्स मे बी सैकलाइट और ट्यूब्यूल ये ट्यूबुलर लाइक -like भी हो सकता है ये सैक लाइक -like भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है है ना तो इसकी शेप जो है इंसेक्ट्स में काफी वेरिएबल uh, है इट कैन बी ऑफ सैक लाइक पैपले लाइक ब्रांच्ड लाइक कैसा भी हो सकता है लेकिन फंक्शन सभी में सेम तरीके से करता है मालफीजियन टूब्यूल्स आर एब्सेंट इन एफिड्स एंड कॉलम्बोला एफिड्स एंड कॉलेम्बोला में जो है ट्यूब्यूल्स एबसेंट होते हैं तो ये जो है पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो वो कौन से दो इंसेक्ट हैं जिनमें मालफीजियन ट्यूब्यूल एबसेंट होता है दैट इज एफिड्स एंड कॉलम्बोला तो ये आपके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां दिख रहे हैं र योर मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जबकि मिड गट के पास प्रेजेंट होते हैं और यहां से जब फूड निकलता है मिड गट से हिंड गट की तरफ तो ये यह यहां से जो है एबजॉर्ब करते हैं आयन्स को और अगर आयन्स ज्यादा है तो फ्लैश आउट भी यहीं से किया जाता है सो दिस इज योर मालफीजियन ट्यूब्यूल्स चलिए फिर बात आएगी मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के फंक्शन की तो दे हेल्प्स इन स्क्रीशन इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट बाय मेंटेनिंग आयनिक एंड वाटर बैलेंस तो मेजरली इनका काम जो है आयनिक एंड वाटर बैलेंस मेंटेन रखने का है यानी कि जो आपके पॉजिटिव आयन्स हैं नेगेटिव आयन्स हैं उनका प्रॉपर कंसंट्रेशन बना के रखना वाटर कंटेंट का प्रॉपर पोटेंशियल बना के रखना मालफीजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है उसके बाद सेकेंड काम क्या है इसका कुछ इंसेक्ट्स में आप देखते हैं ना लाइट प्रोड्यूस होती है जैसे कि जुगनू तो ये जो ग्लो वॉर्म्स होते हैं इनके डिस्टल एंड पर लाइट एनर्जी इसी की वजह से प्रेजेंट होती है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स की वजह से ही प्रेजेंट होती है तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जो लाइट प्रोड्यूस होती है ये मालफीजियन ट्यूब्यूल्स की वजह से होती है तीसरा इसका मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये कैल्शियम को स्टोर करता है इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम तो कैल्शियम कब कम आएगा प्यूपा बनाने के लिए हार्ड शेल बनाने के लिए इंसेक्ट को काम आता है तो कैल्शियम स्टोरेज का काम भी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स करते हैं तो केवल सिक्रीशन का एक्सक्रेशन का काम नहीं है ये लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है ये कैल्शियम को स्टोर भी कर सकता है ये काफी मल्टी टैलेंटेड है ओके चलिए बच्चे ग्लो वॉर्म्स वी से आई डोंट नो इन इंग्लिश व्हाट विल बी सेइंग, जुगनू वी से इन हिंदी जुगनू, दे ग्लो इन द डार्क व्हेन यू हैव लेस लाइट्स अराउंड यू यू विल सी दे विल बी ग्लोइंग

जब इंसेक्ट मॉल्टिंग करेंगे तो क्या होगा वो अपनी जो अपनी ऊपर की लेयर है एपिक्यूटिकल है उसको डिस्कार्ड कर देंगे एंड नीचे से जो है लाइट में नहीं आते हैं बच्चे दे लिटरली ग्लो ओके हाँ जुगनू देन इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट आपको पता है कि आपका इंसेक्ट जब साइज में बड़ा होता है तो वो अपनी पुरानी स्किन को पीछे छोड़ देता है और नई स्किन उसके नीचे जो बिल्ड करता है उससे बाहर निकलता है सो दिस इज ऑल्सो वट दिस इज ऑल्सो इंटेग्यूमेंट और सॉरी वेस्ट मटीरियल इंटेग्यूमेंट तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इंसेक्ट जो है यहाँ पर ये न्यूली फॉर्म्ड इंसेक्ट यहाँ से बाहर निकलता है और ये जो पीछे लेयर रह गई है दिस इज एग्जूवी द ओल्ड स्किन ओल्ड स्किन इज रिमूव्ड राइट सो दिस इज ऑल्सो व वेस्ट मटीरियल दिस विल बी काउंटेड एज एक्सक्रीशन ओके उसके बाद आ, ये जो आ, आपका रेस्पिरेशन कुछ इंसेक्ट्स में जो है स्किन के थ्रू होता है ये भी हमने कल पढ़ा था रेस्पिरेशन की क्लास में तो रेस्पिरेशन की क्लास में हमने पता था कि क्यु, क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन होता है यानी कि स्किन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है सी ओ टू को बॉडी से निकालने के लिए तो ये भी एक एक्सक्रीशन का पार्ट है तो इस तरीके से जो है आपके इंटेग्यूमेंट भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये खुद से लाइट लेके चलते हैं राइट तो इंटेग्यूमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इंसेक्ट्स रिमूव द वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सुवी यानी कि ओल्ड स्किन इन सम इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन समेसरेशन थ्रू बॉडी वॉल इनमें रिमूव की जाती है स्किन के थ्रू इंसेक्ट के थ्रू गुड इवनिंग तनुजा चलिए तो एंटेग्यूमेंट की बात हो गई तीसरा टाइप क्या है थ्रैकियल सिस्टम तो ट्रैक्यल सिस्टम को तो हमने कल ही काफ़ी डिटेल में पढ़ा है इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है ख़ास बस इतना है कि ट्रैकिअल सिस्टम से क्या होता है CO2 बाहर रिलीज होती है एन्वायरमेंट में तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में काउंट होगी द तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी ट्यूब्स लाइक ट्रैकिया विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं और सीओ टू एलिमिनेशन इनसे होता है स्पाइरेकिल्स के थ्रू स्पाइरेकल्स बॉडी ओपनिंग्स होती हैं जो इंसेक्ट की बाहरी बॉडी पर बाहरी वाल पर प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है और सी ओ टू बाहर निकलती है तो ये एक्सक्रीशन का गैसियस एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं उसके बाद एलिमेंट्री केनाल आएगा एनिमेंट एलिमेंट्री केनाल का तो भैया मेजर रोल है ही एक्सक्रेशन में तो जो आपका गट है इंसेक्ट का इट स्टार्ट विद फेरिंग्स स्टार्ट होता है माउथ के बाद फेरिंग्स से और खत्म होता है हिंड गट पर इलियम पर राइट right. तो ये आपका पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल होता है पर पूरे एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन एक्सक्रीशन में नहीं होता है केवल आपका हिंड गिट जो है वो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है

वो आपका मिड गट से होता हुआ हिंड गट की तरफ आएगा जहाँ रेक्टम एलियम प्रेजेंट है जिसके थ्रू होता हुआ एनएस से ये फूड जो है बाहर निकल जाएगा सो दिस इज़ द मेजर रोल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इसको हम क्या कहते हैं जो आपके अनडाइजेस्टिड फूड निकलते हैं इसको ई e कहते हैं है ना दिस इज कॉल्ड ई जशन वेन फूड और एक्स्ट्रा फूड जो है वो इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल से एनस से बाहर निकलते हैं दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन और री में आपका रेक्टम जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलियम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो फेसेस में जो ज्यादा आयंस और वाटर प्रेजेंट है वो रीऐब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पर और फिर जो है सारा मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाता है इंसेक्ट की बॉडी से बाहर निकल जाता है दिस इज एलिमेंट्री केनाल उसके बाद आएंगे आपके नेफ्रोसाइट्स तो ये आपने कम सुने होंगे अगले जो मेथड्स आने वाले हैं तो नेफ्रोसाइट्स क्या हैं दीज आर द स्पेशल सेल्स ये स्पेशल सेल्स हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी कैविटी एंड स्कैटर्ड ये ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है ये बॉडी में कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है अकेले अकेले सिंगल सेल के फॉर्म में ही सो दी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी कैटी एंड स्कैटर्ड अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है द टेक अप द फॉरन केमिकल ऑफ रिलेटिव हाई मोलिक्यूलर वेट जिन केमिकल्स का मोलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है जिनके एटम्स भारी होते हैं जिनको आपका मालफीजिन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उनका रिमूवल जो है नेफ्रोसाइट सेल्स की हेल्प से होता है लोपा uh, क्वेश्चंस आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से यही आएंगे बच्चे कि कौन से कौन से ऑर्गन हैं अगर CO2 टू का एलिमिनेशन हो रहा है तो कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं नेफ्रोसाइट्स किसके रिमूवल में काम आते हैं तो डायरेक्टली छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ओके विच मालफिजियन ट्रिब्यूल्स मे बी इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विथ तो जो आपके मालफीजियन ट्यूब्यूल सिक्रीट नहीं कर पाते जो हाई मोलिक्यूलर के जो एटम्स होंगे वो आपके नेफ्रोसाइट्स की हेल्प से इंसेक्ट की बॉडी से निकलेंगे तो ये आपके नेफ्रोसाइट्स हैं सिंगल सेल्ड हैं ये आपका मालफीजियन ट्यूब्यूल है इसके आसपास ही देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है तो इससे <coughs> ये डायरेक्टली हेमोलिम्फ से कनेक्ट होते हैं जैसे यहाँ पर आपका जो है आ, इसको जूम करके दिखाया हुआ है ये वाला पार्ट तो ये वाला हेमोलिम्फ यानी कि इसमें इंसेक्ट का ब्लड है जो भी आयन्स इसमें प्रेजेंट हैं, वो डायरेक्टली जो है इन सेल्स में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं राइट तो इसकी जो वॉल है इसमें ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जो भी हैवी मेटल्स है, हैवी आइटम्स हैं वो सारे इस तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो दीज आर नेफ्रोसाइट्स उसके बाद नेफ्रोसाइट्स आपके दो टाइप के होते हैं डोर्सल एंड वेंट्रल काम दोनों का सेम है केवल पोजीशन का डिफरेंस है डोर्सल आपका हर्ट के आसपास मिलेगा इधर साइड ऑफ तो द हर्ट इन पेरिकार्डियक साइनस प्रेजेंट इन इमेच्योर एंड एडल्ट स्टेज दोनों में ही मिलता है इमेचोर स्टेज में भी मिलता है और एडल्ट स्टेज में भी मिलता है वहीं वेंट्रल नेफ्रोसाइट्स जो है ये फोरगट बिलो द फॉर्गट मिलेंगे और दे आर अटैच्ड बाय इट्स टू एंड्स टू द सलाइवरी ग्लैंड और ये दो जो है सलाइवरी ग्लैंड से अटैच होते हैं सो दीज आर द एग्जाम्पल इसमें कौन सा है डिप्ट्रस लार्वे जो डिप्ट दिप, डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं उनके जो लार्वे होते हैं उनमें ये वेंट्रल नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएंगे छोटे छोटे है ना कि गिव व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ जिसमें वेंट्रल नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट हो चार ऑप्शन दे दिए आपको एक को टिक लगाना है जो लार्वे आपके डिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं उनमें जो है आपके वेंट्रल नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है क्वेश्चन ऐसे बन सकता है वेंट्रल नेफ्रोसाइट्स की पोजीशन क्या होती है बिलो द फॉरगेट होती है डोर्सल नेफ्रोसाइट्स की पोजीशन कहाँ होती है नियर बाय हर्ट होती है तो इस तरीके से बहुत छोटे एंड सिंपल क्वेश्चन ही बनेंगे और बहुत ज़्यादा डीप आपका मॉर्फोलॉजी से कभी नहीं आएगा डायरेक्ट एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट ये पूछा जाएगा मालफी जिन टिब्यूल्स जिन मॉलिक्यूल्स uh, को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते उन्हें कौन एब्जॉर्ब करता है तो उन्हें नफ्रोसाइड्स एब्जॉर्ब करते हैं तो क्वेश्चन इसी से आता है घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है कंसेप्ट क्लियर है कहानी याद है तो कुछ भी हो सकता है ना तो कहानी को याद करना ज़रूरी है इसीलिए लिए कहानियाँ हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं सो so दैट When the exam comes, you have the stronger foundation, you have the stronger concept. जब भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा डायरेक्ट नहीं आएगा यू विल remember द कहानी तो अगर आपको करेक्ट भी याद नहीं होगा तो वो ऑप्शन देख के आपको जरूर याद आ जाएगा कि मैम ने कुछ ऐसा बताया था तो हमें ये टिक लगाना है एंड दिस इज फॉर दीज क्लासेस आर चलिए अगले कौन से हैं अगले हैं इनोसाइट्स इनोसाइट्स आपके लार्ज सेल्स होते हैं थोड़े बड़े सेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट नियर द एबडामिनल स्पाइरेकल्स है ना जो एबडामिनल सेगमेंट्स हैं जिनमें आपकी ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं स्पाइरेकल्स प्रेजेंट हैं उनके आसपास जो है ये इनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं दी सेल्स आर थॉट टू सिक्रीट क्यूटिक्यूलिन लेयर ऑफ द एपिक्यूटिकल ये जो है एपिक्यूटिकल लेयर का सिक्रीशन करते हैं तो ये सेल्स एपिक्यूटिकल बनाने में बेसिकली काम करते हैं हेल्प करते हैं एंड इन कॉकरोच सरफेस ग्रीस विच कवर्स द इंटेग्यूमेंट्स और कॉकरोच में ये क्या करते हैं सरफेस को चिकना करते हैं ग्रीसी करते हैं. तो कुछ इस तरीके का मटेरियल ये सिक्रीट करते हैं अब इनका प्रॉपर रोल तो नहीं पता चला है साइंटिस्ट को अभी तक बट दे बिलीव कि ये एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं सो इट्स जस्ट अ नेम इसमें तो आपको कुछ याद रखने की ही जरूरत नहीं है बस इतना पता होना चाहिए कि भैया इनोसाइट नाम की आ, कोई सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं साइंटिस्ट आर स्टिल सर्चिंग की पार्टिसिपेशन क्या है तो इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसके नाम के अलावा ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में नहीं चलते नेक्स्ट पी uh, पर चलते हैं तो यूरेट सेल्स हैं सम ऑफ द फैट बॉडी सेल्स तो ये फैट बॉडी सेल्स हैं विच आर स्टोर्स यूरिया और यूरिक एसिड तो ये फैट सेल्स जो हैं ये यूरिया या यूरिक एसिड को स्टोर करके रखते हैं ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में तो ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड इन्हीं को जो है क्या कहते हैं यूरेट सेल्स कहते हैं तो ये यूरेट सेल्स कुछ नहीं हैं फैट के सेल्स हैं जिनमें यूरिक एसिड या यूरिया जो है स्टोर होता है इसीलिए इनका नाम यूरेट सेल रख दिया गया है फिनोमिना इज कॉल्ड स्टोरेज एक्सक्रीशन क्योंकि इसमें स्टोर हो रहा है एटलीस्ट जो आसपास के सेल्स हैं उन्हें अब उससे यूरिक एसिड से या यूरिया से हार्म नहीं होगा क्योंकि वो फैट बॉडीज़ में स्टोर्ड हैं राइट right. तो ये स्टोरेज एक्सक्रीशन इसको कहते हैं विच इज़ यूजफुल फॉर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन वेन इंसेक्ट फीड्स ऑन नाइट्रोजन डेफिशियंट फूड तो अगर इंसेक्ट ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नाइट्रोजन डेफिशियंट फूड पर फीड करेगा अब उसको नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाएगी यूरिया से या फिर यूरिक एसिड से और ये यूरिया और यूरिक एसिड जो है स्टोर कर लिए जाते हैं यूरेट सेल्स में तो ये वो आ, बेसिकली वो है कि ये अभी काम नहीं है अभी अनवांटेड है तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं साइड में रख लेते हैं मे बी कभी काम आएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे तो ये सिचुएशन है राइट यानी कि ये स्टोरेज करते हैं ताकि अभी क्योंकि अगर ब्लड में यूरिया ज़्यादा रहेगा तो आसपास के सेल्स को नुकसान करना शुरू कर देगा लेकिन हमें फ्यूचर में इसकी जरूरत भी हो सकती है तो ये फैट सेल्स में स्टोर कर लिया जाता है कि जब भी इंसेक्ट नाइट्रोजन डेफिशिएंट फूड खाएगा जिसमें नाइट्रोजन कम होगा इंसेक्ट को नाइट्रोजन की जरूरत होगी तो हम यहां से नाइट्रोजन रिलीज कर सकते हैं ओके सिक्स सेमेस्टर जी बिल्कुल शालिनी आप एक तो यही है बच्चे कि आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए जब ट्राई कर रहे हैं तो आ, हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ना अपना एक स्पेसिफ़िक पैटर्न होता है कि वो क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्पेशल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर आपके कोई फ्रेंड्स फ्रेंड्स के फ्रेंड्स कोई सीनियर कोई है तो उनसे आप ये पूछेगा सबसे पहले कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का बनता है ओके सेकेंड थिंग यही है बच्चे क्योंकि यहाँ पर आप मास्टर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो मैं ये नहीं कहूँगी कि एम प्रैक्टिस मत कीजिएगा ऑफकोर्स एम सी प्रैक्टिस कीजिएगा लेकिन मास्टर्स के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि मास्टर्स में आपका जो क्वेश्चन लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर ऑफ कोर्स थ्योरी पढ़कर ही होंगे तो थ्योरी क्लासेस आप ज़रूर अटेंड करें क्योंकि अभी आपका एग्जामिनेशन uh, जो है जनरली uh, जून में एग्जामिनेशन आपकी हर यूनिवर्सिटी करवाती है क्योंकि अगस्त में एडमिशन होते हैं है ना तो आपके पास टाइम भी है तो आप साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करती रहेंगी तो बेटर परफॉर्म करेंगी अपने एग्जामिनेशन में और एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करते ही रहेगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर करेंगी तो और बेटर रहेगा बाकी अगर स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रही हैं डू कॉन्टेक्ट समा क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है लाइक आई एम फ्रॉम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सो आई कैन वेरी वेल टेल कि मास्टर्स में किस लेवल का क्वेश्चन वो बनाते हैं किस सब्जेक्ट का uh, मतलब थोड़ा ज्यादा रहेगा कम रहेगा तो ये आपको हमेशा पढ़ के जाना है ओके शालिनी वेरी नाइस हाँ बैंक के लिए आपको जो है एग्रोनॉमी सॉइल साइंस आपके करंट अफेयर्स आपकी, आपकी एक्सटेंशन भी कम एक्चुअली मेजर पोर्शन जो है आपका एग्रोनॉमी से हॉर्टिकल्चर से सॉयल साइंस से और करंट अफेयर्स से आएगा बाकी प्रॉब्लम ये है कि ये तो सब लोग पढ़ के जाएंगे है ना तो आपको स्ट्रांग प्रिपरेशन के लिए फिर से सारे सब्जेक्ट्स को ही उठाना पड़ेगा लेकिन हाँ मेजर सब्जेक्ट्स इनमें से आने वाला है तो इन पर अच्छे से फोकस रखिए, इन पर अपनी पूरी कमांड रखिए कि इनसे कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं उसके बाद जब इनकी प्रिपरेशन पक्की हो जाए फिर जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिनसे कम क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सिलेक्शन वही क्वेश्चन करवाते हैं ठीक है चीके? तो ऑल द बेस्ट शालिनी फ्रॉम माय साइड देखते हैं जब एग्जाम आएगा तो आप लोग क्या मैजिक करने वाले हैं चले तो अब पढ़ लेते हैं लेबियल ग्लैंड्स के बारे में ये प्रेजेंट होते हैं कोलम्बोला में डिप्लूरा में और थाएस, यूरिया में ओके गुड इवनिंग अविनिश अवीनीश बड़े अच्छे अच्छे नाम है तुम्हारे हमारे माँ बाप ने तो बिल्कुल ही बिना सोचे नाम रख दिए सबसे कॉमन कॉमन चलो लेट्स स्टडी लेबियल ग्लैंड्स दे कंसिस्ट ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दे कॉल्ड एम्प्यूला और उन सैक लाइक -like स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं एम्प्यूला कहते हैं है ना तो सैक फूला हुआ होता है एम्प्यूला में भी थोड़ा फीलिंग आ रहा है फूला फूला गोल गोल सा होगा गुड इवनिंग पीयूष दैट लीड्स टू लॉन्ग कोयल लैब्रिंथ दैट ओपन्स एट द बेस ऑफ द लेबियम तो इसमें जो है एक लॉन्ग कॉल्ड लेबरिंथ है जो लेबियम यानी कि जो लोअर लिप है उसके नीचे आकर खुलती है ओके तो इट हैज लॉन्ग हैजेंट जो लेबियम के आ, बेस के में खुलती है लेबियम क्या होता है लिप को माउथ के लोअर लिप पार्ट को जो है लेबियम कहते हैं ओके दीज हेल्प इन रिमूविंग अमोनिया और ये ग्लांट क्या काम करते हैं ये अमोनिया को रिमूव करने में हेल्प करते हैं ओके okay, सो द अमोनिया पार्ट इज़ रिमूव विद द हेल्प ऑफ लेबियम सॉरी लेबियल ग्लैंड जो लेबियम है लोअर लिप है उसके नीचे ये खुलते हैं और इसमें जो है एक सेक लाइक एम्प्यूला प्रजेंट होता है उसके बाद बेसिकली गुब्बारा है गुब्बारा के नीचे डंडी भी होगी तो ये आपका कोल्ड जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका लैब्रिंथ तो नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है लैब्रिंथ कहलाएगा ऊपर वाला आपका एम्प्यूला कहलाएगा और ये एम्प्यूला ये जो ओपनिंग है ये कहाँ होती है ये लेबियम में होती है लोअर लिप के बेस में जो है ये ओपन होता है इसके थ्रू अमोनिया को रिमूव किया जाता है तो ये भी याद रखना है कि इसके थ्रू अमोनिया को रिमूव किया जाता है उसके बाद क्लोराइड सेल्स हैं प्रेजेंट ऑन एक्वेटिक इंसेक्ट्स ये जो है एक्वेटिक इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो इंसेक्ट पानी में रहते हैं राइट तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक मे फ्लाई एंड स्टोन फ्लाई के लार्वे पर ठीक है द एब्सॉर्बेशन ऑफ आय एंड फ्रॉम द सल्ट वाटर टेक्स प्लेस एंड देन एक्सक्रीटिंग इन टू द सराउंडिंग मीडियम टू कंपनसेट द चेंजेस इन द आयनिक कंसनट्रेशन ऑफ द हिमोलियंस हीमोलिम्फ यानी कि इंसेक्ट का ब्लड ओके इसको हीमोलिम्फ क्यों कहते हैं क्योंकि हमारा ब्लड जो है रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इंसेक्ट का ब्लड जो है वाइट कलर का क्रिमिश कलर का होता है इसीलिए उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है ओके तो मच्छर को जब आप कभी मारते हैं ऐसे हाथ से मारते हैं ना रेड हो जाते हैं आपके हाथ तो वो कभी म, मच्छर का ब्लड नहीं होता है वो आपका ब्लड होता है जो उसने पिया था तो ये आ, याद रखिएगा कि इंसेक्ट का ब्लड जो है वो व्हाइट कलर का होता है रेड कलर का नहीं होता है ओके okay, चलिए तो इसमें जो है आपके जो आय सॉल्ट वाटर से एब्जॉर्ब किए थे उसका आयनिक कंसंट्रेशन हेमोलिम्फ का जो है मेंटेन रखने के लिए जो एक्स्ट्रा आयंस हैं उनको एक्सक्रीट करना पड़ता है और ये क्लोराइड सेल्स के थ्रू किया जाता है तो ये जनरली जो है वाटर इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है जो एक्वेटिक uh, लाइफ uh, जीते हैं जो आपके वॉटर में रहते हैं तो उनको वॉटर से ही अपने आयन्स एब्जॉर्ब करने होते हैं और अपने हीमोलिम्फ के आयन uh, को मेंटेन करने के लिए आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन्हें कुछ एक्स्ट्रा उसमें रिमूव भी करने होते हैं जो ये क्लोराइड सेल्स की हेल्प से करते हैं ओके okay. तो गुड uh, इवनिंग सूरज काफी लेट आए हैं आप क्लास में तो ये लीजिए सूरज आए और हमारी पीपीटी खत्म हो गई है ना तो कल से सूरज टाइम से आइएगा चलिए तो आज की हमारी क्लास में इतना ही था आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा और हमने क्या देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम के केवल वो दो टाइप नहीं होते जो हम अक्सर सोचते हैं कि मालफीजियन टिब्यूल्स काम करता है और एलिमेंट्री कैनाल काम करता है नाइन टाइप्स के आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट में तो सारे मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं आप लोगों ने दोबारा रिपीटेड उनको अच्छे से देखना है पढ़ना है सीखना है बिकॉज आई वॉन्ट कि आप उनको मेमोराइज करें ठीक है बिना बुक खोले आपको याद करवा रही हूँ और क्या चाहिए बताओ तो ये तो अब आप लोगों को कहानी पता ही है आप लोगों का इफ्को का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड विच इज़ कोस्ट बारह सौ रुपये बारह सौ रुपये उसकी कोस्ट है छः महीने की इसकी वैलिडिटी है नॉर्मल वैलिडिटी लेकिन अभी अड्डा ने डबल वैलिडिटी चलाई हुई है तो इसका जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो एक साल के लिए मिलेगा दूसरे जगह हम देखें तो एग्रीकल्चर महापैक है एग्रीकल्चर महापैक आपका एक साल के लिए होता है और जनरली अभी डबल वैलिडिटी है सो ऑफकोर्स ये आपको दो साल के लिए मिलने वाला है तो बेसिकली uh, बात यही है कि सेम प्राइस में यू आर गेटिंग टू ईयर्स तो आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेशली मान लीजिए आप बी एस सी थर्ड ईयर के बच्चे हैं ना तो यू हैव टू कम्प्लीट द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर और साथ साथ आप चाहते हैं कि भैया जैसे ही मेरी फोर्थ ईयर खत्म हो मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ऐसे पैकेजेस उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि इसमें डबल वैलिडिटी मिलेगी प्लस सारे एग्ज़ाम के जो भी पैकेजेस हैं चाहे आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप एफ की तैयारी कर रहे हैं नबार्ड की तैयारी कर रहे हैं एफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जितने भी पैकेजेज हुए ना आपको सबका इसमें एक्सेस मिलता है यही इस महा पैक की खास बात है फिर इसमें आपको ई e बुक्स भी मिलती हैं टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं जिनसे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं मुझे कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ तो इसके लिए टेस्ट सीरीज में इसमें इन्वॉल्व रहती है इसका प्राइस रहेगा आपका 80 ऑफ के बाद 6799। ओके okay, कोई बात नहीं सूरज माफ किया मैंने तुम्हें <laughs> चलिए तो अगर ये सब बेनिफिट्स आपको चाहिए एटी परसेंट ऑफ आपको चाहिए तो आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा वाई फोर फोर एट ए कि चार चार आठ प्लस ए फोर एग्रीकल्चर और आठ कैसे बनाना है फोर प्लस फोर होता है भाई सोलह दुनिया आठ सिर्फ जाटों के लिए होता है सबके लिए फोर प्लस फोर एट होता है राइट तो चलो फिर मिलते हैं कल अपने कल तो ईद है वैसे यू हैव टू एंजॉय योर हॉलीडेज कल अपनी हॉलीडे को एन्जॉय करना परसों फिर मिलेंगे अपने आई बी पी की क्लास में सुबह सुबह बहुत सारे इंटरेस्टिंग एम लेकर और फिर मिलेंगे शाम को छः बजे अपनी एंटो की क्लास में है ना तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा पढ़ते रहिएगा सुरक्षित रहिएगा गुड बाय एंड टेक केयर